Well, hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the video, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends.

Uh, दोनों को मिला के जितनी भी हिस्ट्री की बुक में दिए हैं और जो लक्ष्मीकांत में दिए हैं दोनों के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सिंगल यू नो कोर्स में देख रहे हैं तो चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं और चार्टर एक्ट ऑफ एटीन की बात करते हैं पिछले यू नो लेक्चर में हमने एटीन थर्टीन एटीन का ऑलरेडी बात कर लिया है तो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें आगे पीछे और अभी हम आगे 20 साल और आगे बढ़ते हैं 1833 से और हम आते हैं 1853 पे है ना तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 uh, में क्या बोला गया कि भाई देखो पहली बात जो कंपनी है वो अपने जो जो भी पोजेस हैं उन टेरिटरीज़ के जो हमने ये देखा था कि बीस बीस साल से इनकी जो लीज है उसको एक्सटेंड कर रहे थे है ना लीज बीस साल से एक्सटेंड कर दी गई थी इसमें भी बीस साल से एक्सटेंड कर दी गई थी तो अभी इन्होंने क्या बोला अभी जो भी पोजेस हैं आपकी टेरीटरी की आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक पार्लियामेंट आपको नहीं बोलेगा जब तक पार्लियामेंट आपको नहीं बोलेगा कि दे दो या ऐसा कुछ है ना तो जब तक पार्लियामेंट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप यू नो जो 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 हैं जो भी आपकी टेरिटरीज़ हैं उसको आप प्रोजेस कर सकते हो जो भी बीस बीस साल पहले यू नो इंक्रीज़ हो रहा था ना उसको अब यू you नो know, वो टाइम हम फ्री हटा दिया उन्होंने उन्होंने बोला कि जब तक पार्लियामेंट यू you नो know, नहीं बोलता है तब तक आप कर सकते हो जब पार्लियामेंट बोलेगा कि दो हमको तो आपको वो देनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस कर दिया गया और उसको अट्ठारह कर दिया गया है ना तो क्लियरली ये हमको दिखाता है कि क्या कर रहे हैं ब्रिटिश यहाँ पर क्या कर रहा है अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है मतलब कंपनी को बाहर धकेलेगा और खुद यू नो अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर है ना तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कंपनी के थे बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश का था है ना तो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्ट्रेंथ ये लोग कम कम कर दिया अठारह तक कर दिया है ना गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया तो एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए मतलब लॉ बनाने वाले और एक हो गए एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो इम्प्लीमेंट करने वाले है ना तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखने कि जो गवर्नर जनरल के जो फंक्शन है उनको सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव uh, में अच्छा एक बात याद रखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एटीन में 1833 में बेसिकली क्या हुआ पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था है ना तो जो सेंट्रलाइजेशन था जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया था किस में एटीन में अब इसके आगे आने वाले जितने भी एक्ट्स हैं जैसे ये एटीन है यहाँ से डी स्टार्ट हो गया जो पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था अब वो डिसेंट्रलाइज होने लगा समझ में आ रहा है तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले है ना अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई सेंट्रलाइजेशन कब कंप्लीट हुआ तो आप बोलोगे 1833 में और आपसे पूछ ले कि डी स्टार्ट कब हुआ तो आप क्या बोलोगे 1853 वाले एक्ट से हुआ तो बेसिकली क्या हुआ था कि 1773 से 1773 से 1833 तक सेंट्रलाइजेशन हुआ 1833 में सेंट्रलाइजेशन कम्प्लीट हो गया उसके बाद एटीन से लेकर नाइनटीन तक नाइनटीन तक डी होता रहा और फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल गई थी सारा पावर इंडिया के पास शिफ्ट हो गया था 1947 में ठीक है तो ये चीज़ हमको याद रखनी है तो सबसे पहली बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आ, आ, का स्ट्रेंथ कम कर दिया गया और डी स्टार्ट हो गया वो हमको कैसे पता चल रहा है डी स्टार्ट हो गया क्योंकि सबसे पहले आप बात ये देखो कि फंक्शन जो हैं गवर्नर जनरल के जो सारे फंक्शन पहले गवर्नर जनरल ही परफॉर्म कर रहा था हमने देखा था ना कि पिछले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एटीन में क्या हुआ था कि जितने भी फंक्शन थे फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सारे किसके पास चले गए थे गवर्नर जनरल के पास है ना तो अब उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं डी क्या का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल से अब ये सारी पावर्स को सेपरेट कर दिया गया तो बेसिकली लेजिस्लेटिव किसी और को दे दिया गया एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया तो यही हो रहा है है ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद ओपन कंपटीशन होगा अब सिविल सर्विसेज के लिए तो बेसिकली अब पहले क्या था कि सिविल सर्विसेज में जो भी जाता था एटीन थर्टी तक वो सारे नॉमिनेट होकर जाते थे है ना कंपनी नॉमिनेट करती थी और जिनको नॉमिनेट करती थी बस वही सिविल सर्वेंट सर्वेंट बनते थे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था अब 1853 से क्या हुआ 1853 से मेरिट बेस्ड कंपटीशन होने लगा कि उन्होंने बोला ओपन कंपटीशन होगा जो जिसमें जिसमें क्वालिफिकेशन होगा उसको हम लेंगे है ना कोई नॉमिनेशन नहीं होगा इसके लिए एक मेकॉले कमेटी सेटअप की गई थी 1854 में तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे पूछ लेंगे कि मेकॉले कमेटी वॉज रिलेटेड टू चार पाँच ऑप्शन दे, दे देंगे सिविल सर्विसेज एजुकेशन दुनिया भर के दे देंगे है ना तो उसमें से आपको याद रखें कि मेकॉले कमेटी जो आई थी एटीन में दैट वॉज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज़ और ओपन कंपटीशन कराना था सिविल सर्विसेज का इसीलिए उससे रिलेटेड थी और इसमें अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को जगह मिली लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया गया चाहे वो भले ही रियासतों से इंक्लूड किया गया हो तो बेसिकली क्या हुआ कि जो इंडियन लेजिस्लेचर था उसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया गया लेजिस्लेटिव फंक्शंस पर परफॉर्म बाई इंडियन लेजिस्टिव काउंसिल बेसिकली जो अच्छा ये ये बता रहा है कि जो इंडियन लेजिस्टिव काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करती थी अब इसमें छः जो लेजिस्टिव काउंसिल थी उसमें छः मेम्बर्स थे तो छः में से जो चार थे उनको नॉमिनेट किया गया लोकल गवर्नमेंट किसने किसने नॉमिनेट किया लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास बॉम्बे बंगाल एंड आगरा इनकी लोकल गवर्नमेंट्स ने इन चार मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था इन औ, इन इन्होंने नॉमिनेट किया था इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जो भी चीज़ पहली बार किसी एक्ट में हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना तो आपको याद रखना है कि एटीन में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड हुआ था बेसिकली कहाँ इंक्लूड हुआ था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो उसमें जो मेंबर्स हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के छः मेंबर्स उसमें से चार को लोकली यू नो नॉमिनेट किया गया था किसने किया था गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बॉम्बे बंगाल एंड आगरा ठीक है पहली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि लॉ मेंबर जो था वो फुल मेंबर बन गए थे गवर्नमेंट गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तो आपको याद रखना है कि द लॉ मेंबर बिकेम द फुल मेंबर ऑफ गवर्नर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक है तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर जो थे वो फुल मतलब परमानेंट मेंबर बन गए थे है ना उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन में क्या था इसमें आप कंप्लीट कंट्रोल आने लगा था ब्रिटिश का ब्रिटिश का कंप्लीट कंट्रोल आने लगा ब्रिटिश ने बोला अब आपको याद रोका कि यहाँ पे ही अगर हिस्ट्री पड़ी होगी तो 1857 वाला विद्रोह आता है ना 1857 वाला रिवोल्ट आता है उसी के बाद ये पास हुआ था 1858 तो वो रिवोल्ट में क्या हुआ वो रिवोल्ट में बेसिकली आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा तो कुछ कुछ कॉजेज़ थे कि भाई पीजेंट्स को दिक्कत हो रही थी उनके ऊपर यू नो एट्रोसिटीज़ हो रही थी है ना उनका रिलीजन से छिड़छाड़ हो रही थी है ना कार्टरेज वगैरह पिग और उसके थे बेसिकली काऊ के थे ओवरसीज ड्यूटी उनको करने को बोला जा रहा था है ना तो ये सब चीज़ें आ रही थी रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रहा था तो इन सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन आया था इसको हम बोलते हैं इसको बोला गया जो क्राउन थे उन्होंने इसको क्या बोला बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया तो इसको ऐसे बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है इसको है ना तो ये भी आपको याद रखना है अब इसमें हुआ क्या इसमें ये हुआ अब इसमें ब्रिटिश का कंप्लीट कंट्रोल आ गया इंडिया के ऊपर अब इसमें क्या हुआ अभी तक तो कंपनी का कुछ कुछ यू नो इन्फ्लुएंस था अभी क्या हुआ अभी इसको पूरा हटा दिया गया कंपनी के इन्फ्लुएंस को इसमें क्या हुआ अब पूरा अच्छे से ब्रिटिश कंट्रोल करेगा अब इसमें क्या हुआ कि पहले पहले हम ये देख रहे थे ना कि यहाँ पे गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल चल रहा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर थी अभी ये क्या हुआ कि उसके ऊपर भी कौन आ गया उसके ऊपर आ गया कराउन आ गया अभी मैं अभी हम देखेंगे कौन आया तो पहले आप ये याद रखो कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे है ना उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के क्या बना दिया गया वॉयस ए रॉय और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉयस रॉय बने थे आ, आ, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के है ना तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वॉयस रॉय को ले आया गया और जो डूअल गवर्नमेंट थी जो डूल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट में बनी थी है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो वाली डूअल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको भी एंड कर दिया गया है ना तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको भी एंड कर दिया गया हमने यहाँ देखा था ना पिछले वाले एक्ट में 1853 में कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस किया गया था है ना यहाँ पे पूरा एलिमिनेट कर दिया गया अब पूरा जो कंपनी वाला सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट वाला वो सब हटा दिया गया है ना तो अभी क्या सिस्टम था एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ एटीन फिफ्टी एट में क्या आया कि सबसे ऊपर होंगे हमारे क्राउन है ना सबसे ऊपर होंगे क्राउन जो ब्रिटिश में जैसे किंग क्वीन होता है ना वो वाले क्राउन होंगे उसके नीचे आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है उसके नीचे आएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड बी हेल्प्ड बाय कौन वाइसे रॉय जो कि हमारे थे लॉर्ड कैनिंग है ना एंड एक काउंसिल होगी पंद्रह मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनेगी जो इसको एडवाइज करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बट आपको याद रखना है कि जो फाइनल डिसीजन होगा भले ही वाइसराय कोई भी डिसीजन ले रहे हो और काउंसिल कोई भी एडवाइस uh, दे रही हो बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके पास होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है ना तो आपको याद रखना है कि पहले होगा क्राउन उसके नीचे आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन बेसिकली इंडिया को कंट्रोल करेगा थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए दो लोग होंगे वाइसराउंसिल होगी एक पंद्रह मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बट फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होगा तो ये आया था सिस्टम किस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ठीक है उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट फिर आते हैं धीरे धीरे करके इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे पहले आता है एटीन तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था एटीन में इसमें डिसेंट्रलाइजेशन यू नो स्टार्ट हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन तो एटीन से स्टार्ट हो गया था बट जो मेजर आया था डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे पावर दी गई है ना वहाँ से तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 1833 तक सेंट्रलाइजेशन हुआ तो उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ही स्टार्ट होगा है ना बट एक्चुअली में जो पावर डिसेंट्रलाइज़ की गई वो कहाँ से हुई 1861 से तो इसमें क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप कहाँ से आया एटीन में इसमें क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो बॉम्बे और मद्रास की दी गई थी मतलब जो ली गई थी ना आ, बॉम्बे uh, और मद्रास की लेजिलेटिव पावर्स जो 1833 वाले एक्ट में हमने देखा था कि 1833 वाले एक्ट में लेजिस्टिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास की ले ली गई थी पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था अब वही पावर्स उनको वापस री कर दी गई तो क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन का हमको बेसिकली uh, पहला स्टेप यहाँ पर देखा एटीन में जब पावर्स जो हैं वो रिस्टोर uh, कर दी गई बॉम्बे और मद्रास की तो जो अभी आप कैबिनेट सिस्टम देखते हो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप कैबिनेट सिस्टम देखते हो अभी कैबिनेट गवर्नमेंट देखते हो वो कहाँ से आया था वो 1861 के थ्रू ही आने लगा था इसमें क्या हुआ था कि जो अभी ऐसा होता है ना कि पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको बोलते हैं कि मोदी जी पोर्टफोलियो देते हैं सबको कि भाई आप आप गृह मंत्रालय संभालोगे आप यू नो पशु विद्यालय सब पशु वाला डिपार्टमेंट संभालोगे एग्रीकल्चर वाला आ, एनिमल हस्बेंड्री वाला संभालोगे तो ये सब पोर्टफोलियोज एलो, एलोकेट होते हैं अभी जो हम देखते हैं एट प्रेजेंट तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम आया कहाँ से था ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 से ही आ गया था जब लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहली बार जो वाइस रॉय थे उस टाइम पे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और उसी ने हमारी जो कैबिनेट गवर्नमेंट है इंडिया की उसका फाउंडेशन ले किया है ना कि सबको भाई ऐसा पोर्टफोलियो हम डिफाइन करेंगे ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए है ना तो हर ब्रांच में क्या होगा हर एक हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा एक ऑफिशियल हेड होगा और एक ऑफिशियल स्पोक्समैन होगा जो स्पीकर बोलते हैं हम है ना तो एक ऑफिशियल स्पोक्समैन होगा और एक ऑफिशियल हेड होगा हु वुड भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो समझ में आया पहला क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का हमको एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है कि भाई लेजिस्लेटिव पावर जो है बॉम्बे और मद्रास की वो रीस्टोर हो गई है ना उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम आया जिसने कैबिनेट गवर्नमेंट की फाउंडेशन को ले किया है ना जिसमें ऑफिशियल हेड और स्पोक पर्सन होंगे है न और दूसरी बात क्या आ गई अब इंडियंस का रिप्रजेंटेशन बढ़ने लगा हमने देखा था ना कि पिछली बार क्या हुआ था कि इस वाले एक्ट में जो हमारा एटीन थर्टी एटीन फिफ्टी थ्री वाला एक्ट था उसमें मैंने देखा था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन आया था यहाँ जो मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट किए थे बंदे है ना तो अब वही हुआ कि और इंक्लूजन बढ़ गया इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेबर्स तो ये याद रखना कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं ऑफिशियल नहीं है है ना मेजर पावर अभी भी ऑफिशियल्स के पास ही थी है ना नॉन ऑफिशियल्स जो मेबर इसमें इंट्रोड्यूस होते वो माइनॉरिटी में थे तीन ही मेम्बर आए थे कौन कौन थे राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड दिनाकर राव ये लोग दिन कर रहा हो ये लोग ये लोग बेसिकली इंक्लूड हुए थे किस में इन, जो आ, इंडिया की जो लेजिलेटिव काउंसिल थी उनमें उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स इंक्लूड किया गया तो ये भी आपको याद रखना है दूसरा कि जो वाइस रॉय थे जो कैनिंग थे लॉर्ड कैनिंग थे उनको ऑर्डिनेंस पावर दी गई ऑर्डिनेंस जो अभी आज हम देखते हैं ना कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास होते हैं तो ऑर्डिनेंस क्या होता है जब भाई सरकार नहीं होती है तो उस जब लॉ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा होता है तो क्या क्या होता है कि या लेट लेजिस्लेशन सस्पेंडेड रहता है तो क्या होता है कि ऑर्डिनेंस इशू होते हैं ना प्रेसिडेंट uh, uh, अपना uh, खुद से रूल बना के है ना ऑर्डिनेंस पास करते हैं है ना तो अभी ये होता है ये जो ऑर्डिनेंस सिस्टम था ये कहाँ से आया था एटीन से उसमें क्या हुआ था कि वायसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे आप कोई भी लॉ बना सकते हो विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी एट प्रेजेंट होता है है ना एट प्रेजेंट यही होता है ना कि भाई लोकसभा सेशन में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस पास होता है प्रोवाइडेड कि राज्यसभा उसको पास करे है ना तो अभी उस समय भी ऐसे ही था कि भाई जो लेजिस्टिव काउंसिल थी उसकी कॉन्करेंस के बिना है ना उसकी कॉन्करेंस के बिना ये पास हो सकता था और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी छः मंथ तक की छः महीने की इसकी वैलिडिटी होगी अनटिल इट इज़ पास तो अभी भी ऐसा ही है अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है अभी भी ऐसा ही है कि भाई अभी भी ऑर्डिनेंस अगर पास होता है मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है है ना और ऑर्डिनेंस पास होता है और राज्यसभा ने मान लो पास कर दिया है ना तो वो तब तक इफेक्ट में रहता है जब तक लोकसभा फिर से कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए और उसको पास ना कर दे मतलब छः लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने के छः महीने के अंदर अंदर उसको पास कराना पड़ता है है ना अभी भी यही सिस्टम है जो पहले चल रहा था पहले भी यही था कि जो कॉन्करेंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमको वो चाहिए होती थी जब तक यू you नो know, फिर से वो वापस बने और छः महीने में उसको पास किया जा सके है ना तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई पोर्टफोलियो सिस्टम वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और ये बोला गया कि हम नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाएंगे कौन से रीजन्स के लिए बंगाल पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फर, फ्रंटियर प्रोविंस जो है उनके लिए हम नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे अब इसके ड्रॉबैक क्या थे इस इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के इसके ड्रॉबैक ये थे कि भाई इसमें कोई भी बजट पर कंट्रोल नहीं था कोई भी डिस्कसिंग पावर नहीं थी कि बजट के ऊपर बजट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था इंडियंस का ठीक है तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक था कि कोई कंट्रोल नहीं दिया गया बजट के ऊपर ना ही हम डिस्कस कर सकते थे बजट से रिलेटेड कोई भी मैटर फिर आता है एटीन का एक्ट 1892 के सॉरी 1892 के एक्ट में क्या हुआ 1892 के एक्ट में बेसिकली जो लेजिस्टिव काउंसिल थी दोनों इम्पीरियल और प्रोविजनल दोनों को एक्सपेंड किया गया एम्पीरियल मतलब जो सेंटर पे थी है ना जो सेंटर पे होती है लजस्लेटिव काउंसिल वो और प्रोविजनल मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में जो ब्रिटिश के प्रोविंसेस में लजस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उन दोनों को एक्सपेंड किया गया और उसमें और यू नो नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स को इंक्लूड किया गया बट अभी भी आपको याद रखना है कि अभी भी 1892 में भी एक्सपैंड तो किया गया बट अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो मेजॉरिटी uh, में थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो मेजॉरिटी में थे नॉन ऑफिशियल्स कम ही थे है ना तो वो माइनॉरिटी में थे अभी भी तो ये याद याद रखना आपको कि एटीन में भी नॉन ऑफिशियल्स uh, जो थे इंडियन नॉन ऑफिशियल जो थे वो माइनॉरिटी में ही थे ऑफिशियल मेंबर्स ही मेजॉरिटी में थे बट यहाँ पे पिछली बार से क्या हुआ जो हमने यहाँ ड्रॉबैक देखा था कि कंट्रोल कोई नहीं था बजट के ऊपर डिस्कसिंग पावर नहीं थी उसको हटाया गया 1892 में क्या हुआ कि डिस्कशन बजट के ऊपर डिस्कशन का यू नो पावर दे दिया गया कि आप भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और बजट को डिस्कस कर सकते हो ठीक है और क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एम्पावर किया गया कि भाई आप यू नो रिकमेंड करिए मेम्बर्स ताकि हम प्रोविजनल काउंसिल्स में उनको इलेक्ट कर पाएँ इसीलिए इससे क्या हुआ कि एक एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन का एक एलिमेंट आया जैसे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना कि मेरा अभी इंडिया में इलेक्शन जो होते हैं वो एज अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही कि भाई लोगों को रिप्रेजेंट करती हुई सरकार होती है इधर तो वही बेसिकली उस टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ एटीन में जब यूनिवर्सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोर्ड्स को बोला गया कि भाई आप नाम बताइए हम बंदों को उनको हम प्रोविजनल काउंसिल्स में यू you नो know, लाएंगे उनको हम प्रोविजनल काउंसिल्स में लाएंगे सॉरी उनको हम प्रोविजनल काउंसिल्स में लाएंगे एंड हैंस एक रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ ठीक है उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं मॉरले क्या थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो उस टाइम वाइस रॉय थे ना तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं नाइनटीन हंड्रेड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट इसका आपको याद रखना है तो सबसे पहली बात इसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया क्या है ये सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट ये था कि जैसे मान लो अभी हमारे इलेक्शंस होते हैं ना अभी हमारा क्या है अभी हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के उसमें कोई इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं है सब बराबरी से वोट करते हैं ऐसा नहीं है कि भाई कोई मुस्लिम खड़ा हो रहा है तो मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उसको वोट कर सकती है ना सब वोट करते हैं चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे मुस्लिम हो चाहे पारसी हो सब उसको वोट करते हैं ना बट उस टाइम ऐसा नहीं था उस टाइम क्या था कि इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट था नाइन वो कब इंट्रोड्यूस हुआ 1909 में इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट करने वाले जो कम्युनिटी होगी वो सिर्फ मुस्लिम होगी इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही मुस्लिम्स को इलेक्ट कर सकती है है ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुआ मुस्लिम्स के लिए और इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया इनकी पॉपुलेशन से भी बढ़कर अभी क्या होता है अभी जितना अभी जैसे मैं आपको बोलूँगी राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट होती हैं तो आप बोलोगे ना कि भाई पॉपुलेशन टू सीट रेशियो फिक्स रहता है कि भाई जितना पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से सीट मिलेगा ऐसा नहीं है कि, कि किसी की पॉपुलेशन कम है और उसको सीट ज़्यादा मिल रही है बट उस टाइम क्या हुआ कि मुस्लिम्स को उनकी जितनी पॉपुलेशन थी उनके हिसाब से एक्सेस सीट दी गई मतलब एक्सेस उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है ना तो पहला तो यही याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट आया मुस्लिम्स के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के साठ कर दिया गया तो पहले जो सिक्सटी uh, मेम्बर की थी है ना जो स्टार्ट हुई थी छः से है ना जो स्टार्ट हुई थी छः से उस वो पहले 16, अभी उस टाइम सिक्सटी थी नाइनटीन हंड्रेड नाइन में नाइनटीन हंड्रेड नाइन में उसको बढ़ा के सिक्सटी कर दिया गया है ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब ऑफिशियल सेंट्रल लजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल्स की मेजारिटी uh, थी जो हम देख रहे थे अभी है ना तो आपको याद रखना है कि इंपीरियल लजस्लेटिव काउंसिल में को इंक्रीज uh, कर दिया गया जो कि पिछले हट से भी होता आ रहा है सेंट्रल लजिस्लेटिव काउंसिल में अब ऑफिशियल्स की मेजारिटी थी प्रोविजनल लजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल्स नॉन इलेक्टेड मेम्बर्स मेजोरिटी में थे तो ये आपको याद रखना है दो काउंसिल हैं एक सेंटर पर है सेंट्रल लजिस्लेटिव काउंसिल और एक है प्रोविजनल लजिस्लेटिव काउंसिल अभी जो हमने पिछले वाले में यू uh, नो you know, देखा था हमने ये देखा था कि प्रोविजनल हो चाहे इंपीरियल हो दोनों में ऑफिशियल्स मेजोरिटी में थे है ना हमने देखा था ना कि इम्पीरियल और प्रोविजनल दोनों दोनों में ऑफिशियल मेजारिटी में थे बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें नॉन ऑफिशियल नॉन इलेक्टिव मेंबर्स की अब मेजोरिटी होगी ठीक है बल्कि बट बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल्स की ही मेजोरिटी थी ठीक है उसके बाद एक इंडियन मेंबर जो था वो पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को जगह मिली थी और वो इंडियन कौन थे वो अपने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एस सिन्हा थे अपने जिन्होंने एज अ लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किया तो आपको कोई पूछ ले कि पहली बार ऐसा कब था कि जब इंडिया का कोई मेंबर जब कोई इंडियन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड हुआ था तो आप क्या बोलोगे 1909 में हुआ था कौन हुआ था एसपी सिन्हा थे जो कि एज अ लॉ मेंबर ऐड हुए थे आ, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ठीक है तो एन इंडियन मेंबर वॉज एडेड फर्स्ट टाइम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहली बार ऐसा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये सब आपको याद रखना है पहले पहले जितने भी चीज़ें पहली बार हुई वो आपको याद रखना है पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी पहली बार इंडायरेक्ट इलेक्शन आए गए आए थे और सेपरेट रिप्रजेंटेशन दिया गया था ज़मींदार यूनिवर्सिटीज़ को जमींदार्स और यूनिवर्सिटीज़ को है ना वोटिंग ऑन द सेपरेट बजट आइटम्स और वॉज अलाउड बट एज अ होल द बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन सो बजट के जो भी सेपरेट आइटम्स थे ये क्लॉज है ये क्लॉज है ये क्लॉज है इन सब पे वोटिंग अलाउड थी बट एज अ होल अगर बजट को पास करना हो तो उसमें यू नो वोटिंग अलाउड नहीं थी है ना वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किया गया सेंट्रल और स्टेट लेवल पे है ना तो ये आपको याद रखना है कि ये uh, सारे इंट्रोड्यूस हुए थे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये है अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ठीक है चलो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो क्वेरीज एट द रेट द वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए हार्ड वर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर